यंत्र का जमाना है तो सही सही नंबर हम मोबाइल पे डायल करते हैं। अब नंबर तो 1 से 9 तक ही है और उसमें से भी जो नंबर हमें पता है कि अमुक नंबर अमुक व्यक्ति का है, तो वो नंबर अगर हम सही सही डायल करते हैं तो विश्व के किसी भी कोने में वो हमारा मिलने वाला हो वहां तक हमारा संदेश पहुंच जाता है। पहले तो वायर होती थी टेलीफोन की, लगता था वायर है, वायर के द्वारा पहुंच रहा, लेकिन और उससे भी सूक्ष्म उपकरण मोबाइल फोन। मोबाइल में वायर तो होती नहीं, वायरलेस, लेकिन उसमें से जो तरंगे निकलती है वायुमंडल में पहुंच करके और जहां जिस नंबर को उसने डायल किया है, क्लिक किया, वहां जाके घंटी बज जाती है। ऐसे ही जिस इष्ट का, जिस भगवान का हम नाम उच्चारण करते हैं, वो हमारा मंत्र जप का प्रभाव अपने इष्ट व भगवान तक पहुंचता है। जैसे बीज को बोया जाता है तो बीज का ध्यान रखना पड़ता है कि खाद और पानी उसमें देना आवश्यक है। ऐसे बापूजी भी कहते हैं कि आपने जो दीक्षा ली है, दीक्षा के बाद 2 या 3 शिविर भरें, ध्यान मंदिर में जाएं, फिर बैठें, थोड़ा मौन रहें, ध्यानयुक्त शिविर करें, फिर मंत्र का प्रभाव देखें। तो जैसे बीज बोया जाता है तो उसकी सिंचाई की जाती है, समय के साथ स्वतः ज्ञात होता है कि अन्न फल फूल में किस चीज का बीज बोया है। बीज बोते हैं तो अलग अलग बीज से अलग अलग चीजें पैदावार होती है। ऐसे ही हम जो मंत्र लें तो मंत्र की खाद पानी और सिंचाई क्या है, जप ध्यान श्रद्धा विश्वास। और जैसे किसान अपने खेत की रखवाली करता है कि नन्ना पौधा है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए आसपास घेरा करता है, बाड़ करता है, उसी प्रकार हमें अपने मंत्र की, अपनी साधना की सुरक्षा करनी चाहिए। तो मंत्र दीक्षा के समय भी गुरु ने क्या दिया है और उसके फल क्या है, ये समय के साथ साधक को ज्ञात होने लगता है। दीक्षा प्राप्त होने पर शिष्य की गुरु में श्रद्धा एवं गुरु की अपने शिष्य पर कृपा संगम से ही दीक्षा पूर्ण होती है, क्योंकि बगैर किसी सदगुरु के मंत्र दीक्षा के किसी भी प्रकार की सिद्धि का मार्ग प्राप्त नहीं होता। जब तक सदगुरु करुणा करके, कृपा करके मंत्र देते हैं, मंत्र तो किताबों में भी लिखे होते हैं लेकिन सदगुरु के मुखारविंद से, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु सिद्ध, उनके मुखारविंद से जो सिद्ध मंत्र मिलता है वो जागृत मंत्र होता है। और गुरु गीता आप सबको मिली है, उसे इसमें एक मंत्र लिखा है कि गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति न अन्यथा, दीक्षाया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्र के। अर्थात जिसके मुख में गुरु मंत्र होता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, दूसरे के नहीं, क्योंकि दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध होने लगते हैं। गुरु गीता में आता है कि दीक्षा विहीन मनुष्य के लिए तो कबीरदास जी ने कहा, सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान यम का बने मेहमान। लेकिन जो दीक्षा लेते हैं, तो आज जो दीक्षा ले रहे हैं उनको माला घुमाने की विधि, माला कैसे घुमाना चाहिए, माला में कितने मन के होने चाहिए, वो सब आप एक बार माला निकाल लें, कैसे किया जाता है
वो मंत्र जाप अनुष्ठान विधि किताब पीछे स्टॉल पे होगी या आपने ली होगी तो उसमें भी वो लिखा होता है। तो जितने लाख जितने अक्षर का मंत्र होता है उतने लाख जप करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। एक अक्षर का अगर मंत्र है तो एक लाख उसका जप करना होता है, फिर उसका दशांश किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए उस मंत्र इष्ट मंत्र एवं गुरु मंत्र जितने अक्षर का हो उतने लाख मंत्र जप करना चाहिए। उतने लाख मंत्र जप होने से मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है और वैदिक मत के अनुसार मंत्र जप होना हो जाने के बाद दशांश संख्या में हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश संख्या मार्जन। तो हवन, तर्पण और मार्जन दशांश संख्या और उसका ब्रह्म भोज कराने का विधान माना जाता है। अगर हम हवन, तर्पण और मार्जन ना भी करें तो क्या करें कि जितने अक्षर का मंत्र है उतना लाख जप करने के बाद उसका दशांश, मानो एक अक्षर का मंत्र है तो उसका सिद्ध करने के लिए एक लाख जप करना पड़ेगा। एक लाख का दशांश कितना होता है? 10,000। तो एक लाख 10,000, फिर 10,000 का 10वां भाग 10% कितना हुआ? 1,000। और उसका 10% 1,000 का 100, और 100 का 10% 10। तो टोटल 1,11,110 जप करने से एक अक्षर का मंत्र सिद्ध हो जाता है। ऐसे फिर दो अक्षर का, तीन अक्षर का, चार का, पांच का, छह का, जिसका जितना अक्षर का मंत्र हो वो मंत्र जाप अनुष्ठान विधि किताब के पीछे भी विधि लिखी है। मंत्र जप करने से व्यक्ति को अविष्ट सुख साधन एवं वस्तुओं की प्राप्ति तो होती है। जैसे बापूजी के श्रीमुख से कल सुना था हमने कि ऐहिक लाभ भी होता है, 33 प्रकार के फायदे तो होते ही हैं, और सबसे बड़ा फायदा जन्म और मरण से छुटकारा देने वाला। तो व्यक्ति को अविष्ट सुख साधन एवं वस्तुओं की प्राप्ति हो और अवांछित व्यक्ति या वस्तु से छुटकारा मिल जाने को ही वास्तविक सुख माना जाता है। प्रियजन या अविष्ट वस्तु से अलगाव एवं अवांछित व्यक्ति या वस्तु से संपर्क ही समस्त दुखों का कारण है। शारीरिक दुख शरीर, इंद्रियां, मन के विकारों से उत्पन्न होने वाले दुख, पहला दुख। दूसरा प्राकृतिक दुख, कुदरती आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूखमरी, भूकंप, सुमानी, बवंडर इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले दुख। और तीसरा सांसारिक दुख, मनुष्य, पशु, पक्षी एवं अन्य प्राणी से होने वाले दुख। ये तीनों प्रकार के दुखों का समन गुरु दीक्षा के प्रभाव से होता है। तो सांसारिक भोगों की प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति हेतु मंत्र जप अत्यधिक प्रभावशाली है, क्योंकि मंत्र सभी प्रकार के सांसारिक दुखों का नाश करने वाला और मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो पूर्व काल से ही ऋषि मुनियों ने एवं विद्वानों ने मंत्र जप अत्यंत सरल एवं कारगर उपाय बताया। तो पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक हम मंत्र जप करते हैं तो मंत्र का प्रभाव हमारे जीवन पर उसका लाभ देखने को मिलता है।
तो माला निकाल लें और माला की जो मनके हैं वो मनके एक बार गिन लें, 108 मनके होने चाहिए। एक सौ आठ मन के होने चाहिए, अपनी माला में गिन लें। कोई भी मन का खंडित नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर रख करके जप करना चाहिए। मंत्र जप हेतु गोमुखी सर्वोत्तम और सुविधाजनक माना गया है। गोमुखी में माला नीचे भी नहीं आती, और अभी भी कई बच्चे ऐसे ऐसे करके पकड़े हुए हैं। ऐसे पकड़ेंगे आप तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा। छाती से सटा हुआ होना चाहिए हाथ, और माला जो है गोमुखी के भीतर हो, और नाभि से ऊपर माला होनी चाहिए। नाभि से नीचे का जो अंग है वो अपवित्र माना जाता है। मंत्र के जप हेतु प्रयोग में की जाने वाली माला शरीर के अशुद्ध अंगों पर स्पर्श ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नाभि के नीचे वाले अंग अशुद्ध होते हैं, इसलिए मंत्र जप करते समय माला नाभि से नीचे नहीं ले जानी चाहिए। माला भूमि से स्पर्श ना करे, इसका भी ध्यान रखें। अशुद्ध अवस्था में स्त्रियों द्वारा माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। मासिक धर्म इत्यादि में माला का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश माला अशुद्ध हो जाए तो माला को पुनः शुद्धिकरण एवं पूजन संस्कार कर लेना चाहिए। इष्ट सिद्धि नामक किताब है आश्रम की, उसमें वो मंत्र भी लिखा है। गुरुवार के दिन पीपल के पत्ते में माला को रख करके पंचामृत से स्नान करके वो मंत्र बोलें तो माला संस्कार आ जाता है। तो प्रतिदिन जो हम मंत्र दीक्षा ले रहे हैं तो उसका जप नियमित रूप से, ऐसा नहीं कि भाई आज तो कर ली समय था माला, कल तो नहीं की, आज तो 11 करी है, कल 21 कर ली, और किसी दिन टाइम नहीं मिला तो एक माला घुमा के चले गए। कम से कम नियम होना चाहिए कि इतनी माला तो हमें करनी ही करनी है, और जब तक नियम ना हो जाए तो हमें कुछ खाना पीना नहीं है। और जो साधक दीक्षा लेते हैं उनका अनुभव है कि जब तक उनका नियम ना हो जाए ना, तब तक उनको चाहे दिन भर कुछ भी करते रहे लेकिन नियम नहीं हुआ तो उनको अधूरा सा लगेगा कि अभी बहुत कुछ बाकी रह गया, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन नियम करके, जप करके, अपना नियम करके, सूर्य भगवान को अर्घ देके, उसके बाद कुछ खाते पीते हैं और अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं तो उनका दिन भी अच्छा गुजरता है। तो ऐसा नहीं कि विद्यार्थी जो शाश्वत मंत्र की दीक्षा ले रहे हैं उस शाश्वत मंत्र का नवरात्रों में शारदीय नवरात्र आते हैं उसमें एक बार अनुष्ठान कर लें तो बहुत चमत्कारिक फायदा होता है। जिन बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, अच्छा रिजल्ट नहीं आता, पढ़ा हुआ उनको याद नहीं रहता, वो मंत्र जप करें और बापूजी अभी जो युक्ति बताएंगे उन युक्तियों को लाएं तो कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर पास हो सकते हैं। चाहिए दूसरी बात ब्रह्मचर्य का पालन, तीसरी बात मौन, चौथी बात गुरु सेवा।
पांचवी बात, त्रिकाल संध्या करनी है, पाप कर्मों का पूर्ण त्याग। सातवीं बात नित्य पूजन, नित्य दान। नौवीं बात इष्ट या पूजन कीर्तन स्तुति पाठ, जो गुरु गीता है इत्यादि। दसवीं बात नैमित्तिक पूजा, किस निमित्त से हम अनुष्ठान कर रहे हैं। ग्यारहवीं बात इष्ट एवं गुरु में विश्वास, और बारहवीं बात जप में पूर्ण निष्ठा। इन बारह चीजों को ध्यान में रख के जप करेंगे तो जप का फल शीघ्र फलदायी होगा। हरि ओम। हरि हरि ओम। खूब गहरा श्वास। हरि ओम।